आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीडेंस वाई APS पर। मैं APS आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो साइंस के हैं, यानी कि विज्ञान, जो 2022 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल एंड CM राज स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, यदि वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर वो वीडियोज आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार है ना रीड भी लर्न कर लेते हैं तो इनमें अच्छे नंबर्स आपके बन सकते हैं एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंड CM राज स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 67, ध्वनि ग्राहक माइक्रोफोन का कार्य क्या है? तो इसका जो बी ऑप्शन है, ध्वनि तरंगों का विद्युत ऊर्जा में बदलना, इसका बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 68, पानी का क्वथनांक क्या होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस, इसका सही आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 69, यदि समान प्रतिरोध वाले दो विद्युत चालकों को समांतर क्रम डॉटेड पैरेलल में जोड़ा जाता है तो कुछ प्रतिरोध है? तो इसका जो ए ऑप्शन है R/2, इसका सही आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 70, भूकंप मापा जाता है तो भूकंप किससे मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है भूकंप मापी द्वारा, इसका जो बी ऑप्शन है यानी कि सिस्मोग्राफ, इसका सही आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 71, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है ए ऑप्शन CaSO4 × 1/2 H2O, इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है 2022 के लिए। सारे क्वेश्चंस को लिखते जाएंगे जिससे कि आप लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सी गैस पौधों पर प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 के रूप में भी जानते हैं, तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि CO2 किसे बोलते हैं, तो इसको याद कर लेना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम CO2 बोलते हैं, 2022 के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इंसुलिन हार्मोन संबंधित, तो इसका जो सी ऑप्शन है अग्नाशय से, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये 2022 के लिए, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, एड्स का जो है ना कारक क्या होता है? तो ये होता है कॉस्केटिव एजेंट का जो है ना कारक क्या होता है? इसका जो डी ऑप्शन है विषाणु, विषाणु वायरस यानी कि इसका कारण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बन जाता है, तो ये 2022 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आप लास्ट टाइम जो है ना अच्छा इसको कर पाए अपने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 75, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में जो है ना पहुंचता है उसकी जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सी ऑप्शन है बेकर रेडिएशन, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है, सो यहाँ से भी क्वेश्चन 2022 में भी बन सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सूर्य के जो नाभिक में तत्व पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन एंड जो आपके हीलियम पाए जाते हैं, इनको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 76, pH मूलांक दर्शाता है, तो इसका जो बी ऑप्शन है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय का मूलांक को है ना प्रदर्शित करता है, इसका बी ऑप्शन सही आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो इसका जो ए ऑप्शन है नक्षत्र बोध की के लिए, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन 1/2 सेकेंड, तो इसका जो सी ऑप्शन है लगभग में 8 मिनट 16 सेकेंड का है ना समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना रवा क्रिस्टल नहीं है? तो इसका जो सी ऑप्शन है गंधक, गंधक जो है ना रवा क्रिस्टल नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंड CM राज स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना आवश्यक है, तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फेरेनहाइट तापक्रम में ना समान रहते हैं? ये ना -40 डिग्री,
तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंड सीएमआर स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, इसको प्रिपेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन है ना आपके लास्ट ईयर के पेपर्स में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो इसका जो ए ऑप्शन है 12, 12 इसका सही आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, जीवन अणु यानी कि डीएनए की संरचना में सबसे पहले है ना किसने रेखांकित किया था? तो इसका जो सी ऑप्शन है जेम्स वॉटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। तो ये भी क्वेश्चन आपके आ चुका है कि डीएनए का है एलेक्स मॉडल किसने दिया था, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, नाखून काटने समय दर्द नहीं होता क्योंकि? इसका जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है, नाखून मृत कोशिकाओं की द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए हमें नाखून काटने पर भी दर्द नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका जो भी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण का है ना होता है, इसका जो भी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, हल्दी के पौधे को खाने लायक जो हिस्सा कौन सा होता है? तो इसका जो ये ऑप्शन है जड़ होती है, जड़ जो है ना हल्दी के खाने लायक भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 86, जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, वृद्ध, वृद्ध से है ना संबंधित होता है। अब यहाँ से आगे जो है ना मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी के लिए जो है ना वीडियो यहीं पे हमें स्टॉप करना होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।